हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बहुत सारा टॉपिक्स है, लेकिन समझना ये ज़रूरी है हमको कि अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट को देखें तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं सिलेबस अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में जो सिलेबस है इसमें, ये तुम्हारे उड़ीसा के अकॉर्डिंग सिलेबस है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज लिखा हूँ मैं, यूनिट 1 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज यूजिंग जेनरिक सॉफ्टवेयर्स। अब सॉफ्टवेयर्स में देखो, हज़ारों सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, इनवॉइसिंग, मल्टीपल गोडाउन हैंडलिंग, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस गोडाउन्स, बैंक रिकंसिलिएशन, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, बिल्स ऑफ मटेरियल, बजट एंड कंट्रोल, पेरोल अकाउंटिंग, TDS, GST, बैकअप एंड रिस्टोर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डेटा, ये सभी टॉपिक हमारा यूनिट 1 के अंदर है। क्या ये यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स है इसको पढ़ पाना पॉसिबल है? ये पढ़ा नहीं जा सकता, ये सीखा जा सकता है। कंपनी क्रिएशन कैसे होता है इसको पढ़ते नहीं है, इसको सीखते हैं। टैली निकालो, टैली में कंपनी क्रिएशन करके देखो। मार्ग सॉफ्टवेयर, ऐसे हज़ारों सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स में सीखना है और किस तरीके से करना है, तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, और इसीलिए तुम्हारा एग्ज़ाम 60 मार्क्स थ्योरी और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, ताकि तुम उन प्रैक्टिकल में तुम ये सभी टॉपिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा पाओ, लेजर क्रिएशन करके दिखा पाओ, कंपनी क्रिएशन करके दिखा पाओ, ऑर्डर प्रोसेसिंग करके दिखा पाओ, अकाउंटिंग वाउचर बना कर दिखा पाओ, जर्नल वाउचर, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ये सब बनाकर दिखा पाओ। तो हम यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे? हम यूनिट 1 का सभी थियोरिटिकल टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे थियोरिटिकल टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और अब हम आगे और बहुत सारे थियोरिटिकल टॉपिक्स को कवर करेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। सर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तुम अगर मुझे बोलोगे सर प्रैक्टिकल भी करवाओ, तो मैं तुम्हें स्क्रीन में कंपनी क्रिएशन करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्क्रीन में लेजर क्रिएशन करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्क्रीन में अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं कौन से सॉफ्टवेयर में सिखाऊं? क्या तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? नहीं है मेरे पास, तो चलो मैं एक तो सॉफ्टवेयर खरीद कर लगा भी लूँगा, क्या सभी बच्चे ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल्स का जो टॉपिक है उसका क्लासेस कुछ अल्टरनेट वे में, एजुकेशनल मोड में सॉफ्टवेयर्स का बात करेंगे, एजुकेशनल मोड्स में उन सॉफ्टवेयर्स को चलाएंगे और उसको करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हम सभी थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में हमारा जो 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है थ्योरी पॉइंट पोर्शन का, वो थ्योरी पोर्शन में हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। प्रैक्टिकल के लिए भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं प्रैक्टिकल पोर्शन भी पूरा कोशिश करूँगा इस वीडियो क्लासेस के थ्रू तुम तक पहुँचाने का, ठीक है। चलो आज के क्लास में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं तुम जानते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे फेमस अगर मैं बात करूं तो टैली। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, मैक्सिमम बिजनेसमैन इसी को यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है ताकि हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दिस इज़ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रिटन टू रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय फॉलोइंग ऑल स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड फॉर्मेलिटीज। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस।
हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर हर प्रकार का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विद इन फंक्शनल फार्मूलाज एज एन अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, कुछ और ट्रांजैक्शंस हुआ है जिसको जर्नल में करते हैं, जनरल लेजर में अकाउंटिंग करते हैं, पेरोल करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट भी हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर में क्रिएट करते हैं. इट फंक्शन एज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट मे बी डेवलप्ड इन हाउस बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इट, मे बी परचेज्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी. हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद से भी बना सकते हैं और थर्ड पार्टी से खरीद भी सकते हैं. टैली एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है. टैली, मार्ग, वो फ्रूगल, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. मैं नाम लिखने जाऊँ तो 200-300 सॉफ्टवेयर्स का नाम तो लिख दूंगा मैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा फेमस आज के दिन में टैली है. टैली मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज विथ लोकल मॉडिफिकेशन. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे बी ऑनलाइन बेस्ड. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन बेस्ड. ये क्या आ गया? हाँ चलो, एक्सेस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम. अगर ऑनलाइन होगा तो हम कहीं पर भी बैठकर आराम से हम सारा ट्रांजैक्शंस को देख सकेंगे. मैं फॉरेन घूमने गया हूँ, वहाँ पर मुझे चेक करना है कि आज कितना सामान बिका, मैं वहाँ पर टैली खोला और चेक कर लिया अगर मेरा टैली ऑनलाइन है तो. With an device which is internet enabled and may be desktop based, it varies greatly in its complexity and cost. Variety of accounting software is available in the market. आज के दिन मार्केट में बहुत सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. If you have small organizations, अगर हमारा एक छोटा सा बिजनेस है that makes only a few basic transactions a month, जिसमें महीने में कुछ ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, 100-200-300 ट्रांजैक्शंस ही होते हैं. बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो उनमें तो एक दिन में हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना? एक दिन में होते हैं ना हज़ारों ट्रांजैक्शन. आज अगर मैं बड़े अमेज़ॉन जैसी कंपनी का बात करूँ तो अमेज़ॉन हर रोज़ लाखों ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा है. क्या अमेज़ॉन मैनुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता. उसको ऑटोमेटेड चाहिए कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए, अकाउंटेंट एंट्री भी करना ना पड़े, एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाए. इफ़ यू हैव अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स ओनली अ फ्यू बेसिक ट्रांजैक्शंस अ मंथ, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, इनवॉइस, यू हैव इवन यूज अ स्प्रेडशीट पैकेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अगर बहुत छोटा सा बिजनेस है, महीने में कुछ ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम एक्सेल में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग फास्ट, अगर हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, you should consider using pre-packaged accounting software like Sage, Tally, FA or FACT or any other billing softwares. इसमें से मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा टैली यूज़ किया हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा टैली ही इस्तेमाल करते हैं. At a higher end, if you are in a service industry or your business have some specific requirement, अगर मेरा इस बिजनेस का कोई अलग सा requirement है which are not available in computer pre-packaged software, अगर वो computer pre-packaged software में नहीं आता है, जैसे मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जो कि टैली में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं टैली लगा पाऊँगा? नहीं. उस टाइम में मैं क्या करूँगा? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर कर अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करूँगा. वो बहुत कॉस्टली होगा, प्रोसेस से ही पता चल रहा है. सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओ, बात करो, वो तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा. You will have to go for customized accounting software. Large organization go often for ERP packages. बड़े बड़े organization, Infosys, TCS, Tata Consultancy Services, Reliance Industries, ये सब ERP packages को use करते हैं. ये लोग छोटे मोटे accounting softwares को भी use नहीं करते, ये लोग ERP packages को use करते हैं. Where finance comes as module. An ERP is an integrated software package which manages the business process across the entire enterprise. The accounting software is available in the market may be grouped under 5 categories. देखो, जितना सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. आ जाओ, कौन कौन से कैटेगरीज हैं देखते हैं. सबसे पहला कैटेगरी,
रेडीमेड, रेडीमेड मतलब जैसे जाते हो दुकान में रेडीमेड कपड़ा खरीद कर लाते हो, शर्ट ऑलरेडी सिल कर दुकान वाला रखा होता है, तुम अपने साइज का नाप कर ले आते हो। तो रेडीमेड मतलब रेडी टू यूज, हम डायरेक्टली उसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड में आता है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज का मतलब हमारे अकॉर्डिंग डिजाइंड किया गया, हमारे अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। टेलर मेड, टेलर मेड मतलब पूरा कस्टमाइज में देखो क्या होता है, जो पैकेज होता है ना उसी को थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या कर देते हैं, कस्टमाइज बना देते हैं। जैसे टैली है, टैली में छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किए और वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बन गया। टेलर मेड में हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। टेलर से कपड़ा सिलवाए हो? हाँ हाँ सर सिलवाएं। क्या प्रोसेस होता है टेलर से कपड़ा सिलवाने का, प्रोसेस क्या होता है? सादा कपड़ा ला कर दो, वो टेलर तुम्हारा एक एक नाप लेगा और उसके अकॉर्डिंग कपड़े को काट फिट कर सिल कर देगा। मतलब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सभी प्रोसेस को खुद से परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेलर मेड। नेक्स्ट आता है ओन डेवलप्ड। ओन डेवलप्ड का मतलब हम खुद से डेवलप करेंगे, हम अब की बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर नहीं करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे। मान लो कोई इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करेंगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर हमारे अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पैकेजेस को डेवलप करके देगा, हमारा खुद का डेवलप किया गया अकाउंटिंग पैकेज। और थर्ड पार्टी डेवलपर्स, बहुत सारे थर्ड पार्टी डेवलपर्स होते हैं जो कि हमारे लिए ये डेवलपमेंट का काम करके देते हैं। तो टोटल अकाउंटिंग पैकेजेस को हम पांच प्रकार से डिवाइड किए, सबसे पहला रेडीमेड, दूसरा है कस्टमाइज्ड, तीसरा है टेलर मेड, चौथा है ओन डेवलप और पांचवा है थर्ड पार्टी डेवलप। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज का क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।